फोन कितने पानी में थे। बट खैर लेट्स सी इन ओलंपिया इंशाल्लाह इंशाल्लाह नाउ रिकवर। सो 5th, 6th, 7th November बिग फिट क्लासिक यहाँ पे मैं आपको मिलूंगा टू किक एवरीवन्स एस इन मेंस फिजिक। गाइस सब्सक्राइब कीजिए इंडिया का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग अपडेट चैनल और मैं लेके आ चुका हूँ गाइस काफी सारी अपडेट्स फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंटिक फिटनेस इंडिया को। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक जो राइवलरी बन गई है भुवन चौहान वर्सेस इमरान खान। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार इस राइवलरी की शुरुआत कैसे होती है। तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इमरान खान आफ्टर कॉम्पिटिशन अपने इंस्टा पर ये वाली स्टोरी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप सभी इस वाली स्टोरी को कम्प्लीट तरीके से सुनिए। हैदराबाद। चलो खैर मुश्किल नहीं, वो में याद रखो ये सेकंड प्लेस है, फर्स्ट से ज्यादा है इन्हें, फर्स्ट से ज्यादा है इन्हें। सब जने देख लो यूट्यूब पे हर चीज पे देख लो कौन फर्स्ट प्लेस है, कौन कितने पानी में थे। बट खैर लेट्स सी इन ओलंपिया इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इमरान खान का ये कहना है कि उनके साथ यहाँ पर धोखा हुआ है, उनकी ही यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट प्लेसिंग आनी थी। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पर जो ऑफिशियल रिजल्ट्स आया ना उनको दिखाना चाहूंगा। और जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि भुवन चौहान को यहाँ पर मिलते हैं पूरे 3 पॉइंट्स और जो इमरान खान है ना दोस्तों उनको आप लोग देख सकते हैं कि जजेस ने इनको 6 पॉइंट्स दिए हैं। हालांकि दोस्तों आप सभी जो है यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर जिसके कम पॉइंट्स है ना गाइस वही जीता हुआ है, मतलब की जो नंबरिंग है ना दोस्तों वो यहाँ पर उल्टी है। और जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा कि जो 212 कैटेगरी थी उसमें जो हमारे सुनील यादव भाई है ना वो जजेस के हिसाब से सिर्फ एक ही पॉइंट से हारे थे, लेकिन फिर भी जो है वो फाइनल रिजल्ट से सेटिस्फाइड थे। लेकिन गाइस अगर हम बात करें इमरान खान की और उनकी जो बातें हैं ना गाइस उनको एक प्लस पॉइंट देते हुए एक बार फिर से भुवन और उनका कंपैरिजन करें तो गाइस आप लोग इन वाली पिक्चर्स में देख सकते हैं कि तो इमरान खान के पास दोस्तों साइज और कंडीशनिंग भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन गाइस यहाँ पर जो भुवन चौहान है एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट कैरी करते हैं गाइस जो की है उनका पोजिंग रूटीन। और इसमें दोस्तों जो भुवन चौहान है अपना फ्रंट शो करते हैं शोल्डर टू बेस्ट रेशियो वाला, वो काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। और यही अगर दोस्तों हम बात करें इमरान खान की तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये वो इस वाले पोज में ना अपनी साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे दोस्तों जो इनके दोनों शोल्डर्स को मिलाकर जो शोल्डर टू बेस्ट वाला रेशियो बनता है ना गाइस वो तो दिखता ही नहीं है। बाकी इसके अलावा सारी चीजों में दोस्तों ये मेरे को भुवन चौहान से काफी ज्यादा नजदीक लगे। और यहाँ तक दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में अगर मैं आप सभी से आपको ओपिनियन लूँ तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा बॉडी बिल्डर वाकई में डिजर्विंग था, यहाँ पर आप लोग अपना ओपिनियन मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन हाँ दोस्तों एक बात का याद रखना की आपकी जो कमेंट होना गाइस उसमें पॉजिटिविटी हो। बाकी गाइस अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने न्यू IFBB प्रो लवप्रीत के बारे में। और इनकी तरफ से दोस्तों हम लेके आ चुके हैं इनकी आफ्टर कंपटीशन में इनका ग्रैंड वेलकम वाला अपडेट। तो गाइस प्रो कार्ड जीतने के बाद में जब IFBB प्रो लवप्रीत सिंह अपने घर जाते हैं तो गाइस बड़े ही जोर शोर से इनका जो वेलकम किया जाता है। और खैर दोस्तों ये जो लाइव वीडियो थी ना वो तो लवप्रीत की थी, बट गाइस मैंने यहाँ पर एक बार नोटिस की थी कि अभिषेक यादव ऑल्सो वॉच दिस लाइव वीडियो। तो गाइस तभी मेरे माइंड में ना एक थॉट आता है कि अभिषेक यादव भाई भी जो है ना प्रो कार्ड को लेकर काफी ज्यादा हंगरी है। और वो भी दोस्तों अपने माइंड में ये सोच रहे होंगे कि जिस बंदे को मैंने लास्ट ईयर डोमिनेट किया था और जो बंदा दोस्तों लास्ट ईयर टॉप 5 में भी नहीं आ सका, तो उस बंदे ने दोस्तों जो कि हमारे लवप्रीत भाई उन्होंने अपनी बॉडी को एक बहुत ही अच्छा ऑफ सीजन दिया और एक बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ में गाइस काफी इजीली प्रो कार्ड जीत जाते हैं। बाकी दोस्तों इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभिषेक यादव इस समय अपने ऑफ सीजन पर है, तो गाइस आप सभी को क्या लगता है कि जिस तरह का धमाका लवप्रीत ने किया है गाइस उसी तरह का धमाका क्या अभिषेक यादव कर पाएंगे सेरू क्लासिक 2023 में? आप सभी अपने जो भी ओपिनियन है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइस अब इसके बाद हम बात करेंगे अपनी एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर के अपडेट के बारे में जो कि है दोस्तों हार्डी चूपैन। और गाइस इनका जो रिसेंट अपडेट है वो आप सभी इन वाली पिक्चर्स में देख सकते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि इस बार जो हमारे हार्डी चूपैन है ना वो साइज के साथ साथ ओलंपिया में काफी बढ़िया कंडीशनिंग लेकर आएंगे। बाकी गाइस इसके अलावा आप सभी को याद ही हुआ कि अभी जो रिसेंटली हमारे बिग रैमी है ना उन्होंने गेस्ट पोजिंग की और इसमें जो है दोस्तों बिग रैमी का रिसेंट अपडेट हमको मिल जाता है। तो गाइस आप सभी को क्या लगता है कि हार्डी चूपैन हरा पाएंगे इस बार के मिस्टर ओलंपिया में बिग रैमी को? आप सभी अपना ओपिनियन हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइस अब इसके बाद हम बात करेंगे बिग फिट क्लासिक के अपडेट के बारे में। और जैसा कि आप लोग जानते हो गाइस कि अब सिर्फ 5 ही दिन बचे हुए हैं इसके लिए
और अब दोस्तों जो हमारे यतेंद्र सिंह है ना उनकी तरफ से भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है कि आप लोगों को यतेंद्र सिंह देखने को मिलेंगे बिग फिट क्लासिक में। हालांकि दोस्तों अभी जो गेस्ट पोजिंग है वो कंफर्म नहीं है, बट गाइस जैसे ही कोई भी अपडेट आता है ना वो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस अब इसके बाद हम बात करेंगे अमित पंघाल के बारे में, क्योंकि दोस्तों एक बार पहले भी मैंने सबसे पहले आप सभी को ये वाली अपडेट दी थी कि जो अमित पंघाल है ना वो कॉम्पीट करेंगे बिग फिट क्लासिक में। और अभी तक तो दोस्तों आप लोगों ने ये वाली जो न्यूज है ना वो कहीं पर भी नहीं सुनी होगी, बट गाइस आप लोगों को यहाँ पर मिलती है सबसे जल्दी न्यूज। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस करें। बाकी दोस्तों अगर इसके अलावा बात की जाए इनके रीसेंट फिजिक अपडेट की, तो गाइस आप सभी ये वाली जो पिक्चर्स है ना उसमें अमित पंघाल जी का जो रीसेंट अपडेट है ना वो देख सकते हैं। तो गाइस अब इसके बाद हम बात करेंगे तरुण गिल के बारे में, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तरुण गिल भी कॉम्पीट करेंगे बिग फिट क्लासिक में, और मैं लेके आ चुका हूँ दोस्तों इनका रीसेंट फिजिक अपडेट। तो गाइस आप सभी तरुण गिल के इस ओवरऑल कंप्लीट फिजिक अपडेट में देख सकते हैं कि पहले तरुण गिल की तरफ से काफी बड़े बड़े दावे किए जाते थे, लेकिन गाइस आप सभी इस वाले अपडेट में नोटिस कर सकते हैं कि पीक वीक होने के बावजूद भी दोस्तों जो तरुण गिल की ओवरऑल बॉडी है ना उसमें मेरे को ज्यादा कुछ हार्डनेस देखने को नहीं मिली। और अभी भी दोस्तों जो है पूरी दुनिया कंफ्यूजन से भरी हुई है तरुण गिल को लेकर, क्योंकि गाइस मुझे उम्मीद है कि तरुण गिल एक बार फिर से अपना कुछ इस तरह से नहीं करवाना चाहेंगे। और जिस तरह का दोस्तों तरुण गिल का कॉन्फिडेंस है बिग फिट क्लासिक को लेकर, तो गाइस मैं तो वाकई में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ तरुण गिल को एक बार फिर से ऑन स्टेज देखने के लिए। बाकी गाइस आप सभी को तरुण गिल के दावों के अनुसार क्या लगता है कि क्या तरुण गिल जीत पाएंगे बिग फिट क्लासिक को? आप सभी अपना जो भी ओपिनियन है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में तो इतना ही रखते हैं, एंड आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। लाइक एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।